अस्सलाम वालेकुम। आज अली के दादी के किचन में हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा सबे बारात के लिए। ये है सूजी, एक कटोरा बड़ा, एक कटोरा चीनी और ये दूध एक कप। फिर इसमें एक कप पानी डालूंगी मैं और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, थोड़ी कुटी हुई इलायची। अब कढ़ाई रखी हूँ मैं, कढ़ाई में डाल रही घी। तो पिघलने देंगे अच्छे से, देंगे हम सूजी। घी में अच्छे से भून लेंगे सूजी को, इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छा खुशबू आए तक भूनने का इससे तवे को। अब इसमें एक कप दूध, एक कप पानी, इसको बॉईल करेंगे, गरम करके इसमें डालेंगे। एक कप से दो कप पानी और दो कप दूध लेंगे, वो माप से दो जितना रवा रहता उतनी शक्कर, उसका डबल, दो कप दूध दो कप पानी, अच्छा बनता है। अच्छे से भून गया है, अभी इसमें डालेंगे इलायची थोड़ी कूटे हुई, अच्छा मिक्स करेंगे। डालेंगे बस थोड़ा भूनने का शक्कर के साथ, फिर आप ये दूध और पानी गरम हुआ वो डाल लेंगे। अच्छा मिक्स कर देंगे, पानी सूख गया, दूध पानी अपन डाले ना वो थोड़ा सूख गया। अब इसको रखेंगे दम पे, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग जरूर ट्राई करना ये सूजी का हलवा, सब बरकत के लिए बनाए सो है ना, आप लोग जरूर ट्राई करना। एक ढक तक दम होने देना, हलवा हो गया है हमारा सूजी का लगभग खाने लायक। डालेंगे अब ड्राई फ्रूट, आप लोग जरूर ट्राई करना मेरे हिसाब से, मेरा जैसा बना है वैसा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरा रेसिपी बनाने को बहुत लेट हो गया, बहुत दिन के बाद मैं बना रही हूँ ये रेसिपी। ये सीरा हमारा खाने लायक हो गया है, सीरा बोलते हैं, सूजी का हलवा बोलते हैं, अच्छा लगता है। ये शबे बारात के खास मौके पर बनाया जाता है, बहुत लोग बनाते हैं इसको, बहुत मजेदार बनता है सीधा खाना, बहुत मजेदार बनता है, आप लोग जरूर ट्राई करना है सीधा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।